हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस अध्ययन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर इस चैप पर न्यू आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में देखा था कि मैटर को डिवाइड किया जाता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। इसके बाद जो प्योर सब्सटेंस है वो आगे डिवाइड हो जाता है एलिमेंट और कंपाउंड में। वहीं पे जो मिक्सचर है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक है होमोजेनस मिक्सचर और सेकेंड है हिटरोजेनस मिक्सचर। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, एलिमेंट कंपाउंड और होमोजेनस और हिटरोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या है। सो दैट सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि एक ही तरह के एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये टिन है, शुगर है, डायमंड है और ये वाटर है। तो ये कुछ क्या है, यहाँ पर ये प्योर सब्सटेंस के यहाँ पर जो है एग्जाम्पल है। वहीं पर अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर क्या है, इट इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। तो मिक्सचर, तो जैसे कि आपको पता है मिक्स होते हैं, तो इनमें क्या है, इनमें दो या दो से अधिक या डिफरेंट टाइप के जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो यहां पर क्या होते हैं, वो मिलकर जो है वो मिक्सचर को यहां पर बनाते हैं। नाउ प्योर सब्सटेंस जो है आगे वो एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड हो जाते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, सो एलिमेंट एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट के यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तो जो ये एलिमेंट होते हैं वो एक ही तरह के एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि कॉपर यहाँ पर है तो ये सिर्फ ये कॉपर से ही बना हुआ है, ये एलिमेंट हो गया। क्रोमियम है यहाँ पर, आयरन है, कैल्शियम, जिंक, सोडियम, तो ये जितने भी हैं यहाँ पर ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पर एलिमेंट कहलाते हैं। वहीं पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसको लिखा जाता है किस फॉर्म में, तो इसको लिखते हैं हम H2 के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है दोनों ही सेम हाइड्रोजन का एक यहाँ पर एटम है और यहाँ पर भी एक एटम है, तो ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन का एलिमेंट यहाँ पर बना रहे हैं। वहीं पर अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये दो या दो से अधिक एटम जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, ये कंबाइन होकर यहाँ पर कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसे कि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक एटम हाइड्रोजन का यहाँ है, एक एटम हाइड्रोजन का यहाँ पर है, वहीं पे एक डिफरेंट एटम यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड हो गया। तो ये जो है ये तीनों ही एटम यहाँ पर मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर H2O यानी कि वाटर बना रहे हैं, जो कि कंपाउंड का यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो कंपाउंड होते हैं जो कि डिफरेंट जो है एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, उनमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स का जो अमाउंट होता है, रेशियो होता है, वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है और एक डेफिनेट रेशियो यानी कि प्रोपोर्शन में होता है। वहीं पे जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स यानी कि जिन भी एलिमेंट्स के द्वारा जो है कंपाउंड बनता है उनसे जो कंपाउंड बन के आता है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर आप जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं, तो वाटर अभी हमने देखा था ये कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये ऑक्सीजन ये क्या होती है, ये गैस है। वहीं पे जो ये हाइड्रोजन भी क्या होती है, ये गैस ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों जो है एलिमेंट जो है डिफरेंट है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये सपोर्टर है किसकी, कंबशन की। वहीं पे जो हाइड्रोजन है वो बर्न होता है किसके द्वारा, पॉपअप साउंड के द्वारा, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ ही रखा होगा क्लास 10th में। तो यहाँ लेकिन ये जो वाटर है, ये जो वाटर कंपाउंड निकल करके आया, ये क्या हो गया, ये लिक्विड हो गया, जबकि ये क्या थे यहाँ पर, ये गैस थे। तो इस तरह से इसकी स्टेट भी यहाँ पर जो है वो डिफरेंट हो गई। वहीं पर जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है वो जो है डिफरेंट है। तो ये क्या होता है, ये यूज किया जाता है फायर एक्सटिंक्शर में। तो इसलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके अलावा यहाँ पर जो H2O है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होने वाला है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि 2:1 के रेशियो में ही यहाँ पर जो है एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड।
ना हम होमोजेनस मिक्सचर के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि ये वर्ड है यहाँ पर होमोजेनस, तो यहाँ पर जो होमो है इसका मतलब होता है सेम, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक समान इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि इसका वॉल्यूम है किसी भी मिक्सचर का, एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली बाई नेक डाई। तो यहाँ पर जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं वहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो एलिमेंट्स का होता है, कंस्टिट्यूएंट्स का होता है, वो सेम होता है। इसके अलावा इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर पैटर्न आप देख लीजिए, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंस्टिट्यूएंट्स का वो सेम है, तो इसीलिए क्या है, ये होमोजेनस मिक्सचर है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं होमोजेनस मिक्सचर के, जैसे कि स्टील हो गया, एयर हो गई, वाइन है, या फिर जो रेन वाटर होती है, रेन ड्रॉप्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। नाउ सेकंड टाइप ऑफ मिक्सचर इज हिट्रोजेनस मिक्सचर। तो ये क्या होता है, तो इस टर्म में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हिट्रो, तो हिट्रो का ही मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर ऐसा मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट्स का, कंपोनेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉट यूनिफॉर्मली, यानी कि यूनिफॉर्म रूप से, एक समान रूप से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, ये फोर जो है ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पर रेड कलर, वहीं पे सिर्फ एक यहाँ पर ब्लू है। तो इस तरह से ही डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो कि नॉट यूनिफॉर्म है यहाँ पर, वो क्या कहलाता है, ऐसा मिक्सचर हिटरोजेनस मिक्सचर कहलाता है। और इस तरह के मिक्सचर को हम लोग जो है इजिली जो है वो देख सकते हैं नेक्ड आई से, तो ऐसा मिक्सचर कहलाता है हिटरोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है सीरियल इन मिल्क, तो मिल्क में अगर हम मिलाते हैं सीरियल को, तो वो जो मिक्सचर आप देख सकते हैं उसको आइस के द्वारा, तो वो क्या है, वो हिट्रोजेनस मिक्सचर है। वहीं पे ऑयल एंड विनेगर, और अगर हम विनेगर और ऑयल को मिक्स्ड करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर ऊपर जो है किस तरह से ये तैरता है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल हो गए यहाँ पर हिट्रोजेनस मिक्सचर के। ना हम लोग मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो की गई हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्ड टुगेदर, तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो केमिकली बॉन्ड नहीं होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा ही कि जो मिक्सचर होते हैं वो टू टाइप्स के हैं, होमोजेनस एंड हिट्रोजेनस मिक्सचर। वहीं जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट मिक्सड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, ये भी हमने देखा था यहाँ पर। तो मिक्सचर वहीं पे जो है, हमने जो है प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, वो जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। इसके अलावा ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल आइडेंटिटीज, तो मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा नो केमिकल चेंज अकर व्हेन ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड, तो जब एक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो किसी भी तरह का केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो है मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मिक्सचर कैन एग्जिस्ट इन एनी स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो इन तीनों ही स्टेट में से किसी भी जो है स्टेट में जो है मिक्सचर जो है वो पाया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ मैटर, तो मैटर का मेजरमेंट किस तरह से किया जाए, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को एस्टेब्लिश किया गया, जो कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SI सिस्टम। तो यहाँ पर जो SI सिस्टम है उसने क्या किया, उसने जो है 7 बेस यूनिट यहाँ पर दिए हैं मैटर के मेजरमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके नेम इधर दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर मास, जिसका कि सिंबल होता है एम। तो ऐसा यूनिट में इसे हम नापते हैं किलोग्राम में, और इसका सिंबल होता है kg। वहीं पे सेकंड है लेंथ, जिसका सिंबल है स्मॉल एल। वहीं पे ऐसा यूनिट में इसे हम नापते हैं मीटर में, और सिंबल है स्मॉल एम। टाइम जो कि है स्मॉल टी, उसे ऐसा यूनिट में हम सेकंड में जो है मेजर करते हैं, और सिंबल इसका है स्मॉल एस। करंट जो कि है आई, वो ऐसा यूनिट में है एम्पियर कैपिटल ए। टेम्परेचर जो कि है यहाँ पर फंडामेंटल
यूनिट और क्वांटिटी में इसका सिंबल है टी, ऐसा यूनिट में है केल्विन, और इसे हम डिनोट करते हैं के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका फंडामेंटल सिंबल है एन, उसे ऐसा यूनिट में हम मानते हैं मोल, और सिंबल है इसका MOL। तो यहाँ पर MOL इसका नेम है और MOL इसका सिंबल हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यहाँ पर जो है वो क्या है, एल वी दे रखी है, ऐसा यूनिट में से हम नेम दे रखा है इसका कैंडेला, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल सी डी जो है यहाँ पर इसका ये जो है ये सिंबल हो गया। तो इस तरह से ये जो सेवन बेस यूनिट है इनके जो है ये नाम जो है इनकी जो ऐसा यूनिट है वो और सिंबल जो है उनको आप अच्छे से जो है वो लर्न कर लें। इसके बाद यहाँ पर जो बेस यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट के द्वारा जो दिए गए थे, तो यहाँ पर कुछ इनके डिफिनेशन भी यहाँ पर दिखाई गई है जिसे कि आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो ये जो है आपके एनसीईआरटी की बुक में जो है वो मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर जो है आप जो है डिटेल में जो है इनकी जो डिफिनेशन है उनको रीड कर सकते हैं। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए जो है आप लोग जो है इनके डिफिनेशन को एक बार वहाँ से जो है बुक से जाके रीड कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पर ऐसे सिस्टम में जो प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं तो उनके कुछ यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है एक आप देख सकते हैं मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पर 10 है, तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, डे का होता है, सिंबल होता है डीए। इसी तरह से यहाँ पर ये सारे जो है ये मल्टीपल दे रखे हैं इधर के साइड में, और इनके ये प्रीफिक्स यहाँ पर दे रखे हैं किस तरह से इनको एसआई सिस्टम में जो है यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर इनके सिंबल जो है वो दे रखे हैं। तो इन्हें भी आप रीड कर सकते हैं और इन्हें भी आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ टर्म्स जो है उनका यूज़ किया जाता है। और एसआई सिस्टम में जो कुछ सेवन बेस यूनिट दिए गए थे तो उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यूनिट को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर मास एंड वेट। तो मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस में जितना भी अमाउंट में मैटर प्रेजेंट होता है उसे हम मास बोलते हैं, एंड इट इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। तो कहीं किसी भी प्लेस में जो है सब्सटेंस का जो मास होता है वो डिफर नहीं करता है, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है, जिसे कि हम केजी से डिनोट करते हैं। वहीं पर जो वेट है और मास, इन दोनों में क्या है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये डिफरेंट है। तो वेट क्या है, वाइल वेट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशन के द्वारा जो फोर्स जो है उस पे जो लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेट। इसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसकी जो एसआई यूनिट है हमने देखी है मीटर क्यूब है, बट इन लैबोरेटरी क्या होते हैं स्मॉल यूनिट, जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब भी जो है उसको भी यूज़ किया जाता है। वहीं पे अगर हम लिक्विड का वॉल्यूम हमको नापना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, लीटर का यूज़ करते हैं। तो एक लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल है, वहीं पर जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच जो रिलेशन है उसे यहाँ पर दिखाई गया है, तो C/5 इक्वल टू F-32/9। तो ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को जो है क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि सेल्सियस से किस तरह से हम फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट से किस तरह से हम सेल्सियस में जो है टेम्परेचर को चेंज करें। तो इस फार्मूले के आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप सेल्सियस में देखिए कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर क्या होता है, वाटर जो है यहाँ पर ये फ्रीज कर जाता है, वहीं पर जो है फ़ारेनहाइट में ये जो है ये यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इस तरह से जो है 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री यहाँ पर फ़ारेनहाइट को शो किया गया है। तो ये रिलेशन हो गया यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। इसके बाद केल्विन एंड सेल्सियस के बीच भी एक रिलेशन है, तो C+273.15 इक्वल टू यहाँ पर K, या फिर अगर हम केल्विन K लिखना चाहें तो इसे हम क्या लिखेंगे, C+273.15 या फिर सेल्सियस लिखेंगे तो हमें यहाँ पर K-273 यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस तरह से सेल्सियस में आ जाएगा और ये केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, और यहाँ पर आप रिलेशन देख सकते हैं यहाँ पर, तो सेल्सियस इक्वल टू केल्विन -273.15। तो ये दोनों यहाँ पर रिलेशन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इन दोनों ही जो ये रिलेशन दिए गए हैं फॉर्मूलेज हैं इनको आप अच्छे से कवर करें।
नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है? तो अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। तो ये एक एस्टिमेटेड रेंज होता है जिसकी जो वैल्यू होती है, जिसका जो रेंज होता है वो किसके बीच में होता है। तो अगर हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, तो ये अगर ये हमने ये ए से बी जो है ये एस्टिमेटेड हमारा ये रेंज है, तो इसी के बीच में जो है ये क्या पाया जाता है, ये एग्जैक्ट जो रिजल्ट होता है वो पाया जाता है। तो आगे अभी हम देखेंगे कि किस तरह से जो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट जो है उसका यूज किया जाता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर और टर्म है जिसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है? सो साइंटिफिक नोटेशन इज ए वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। तो किसी बहुत बड़े या काफी जो छोटे नंबर्स होते हैं उनको राइट करने का, उनको डिनोट करने का ये एक जो है ये टाइप होता है, ये एक मेथड होता है। सो अगर हम लिखते हैं एक नंबर इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन व्हेन ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज मल्टीप्लाइड बाय ए पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ये जो है काफी जो है ये बड़ा नंबर है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से लिखेंगे? तो इसे हम 10 की पावर में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने जीरो हैं। तो यहाँ पर काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 ये जीरो है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है, तो 5 के बाद अगर हम लगाते हैं तो इसे भी हम क्या करते हैं, इसे भी हम एक ऐड कर लेंगे, तो 7+1 यानी कि ये 8 हो जाएगा। तो इसे हम 10 की पावर में लिखेंगे। और यहाँ पर जो साइंटिफिक नोटेशन होगा इस इतने बड़े नंबर का, वो होगा 6.5 × 10⁸। तो इस तरह से जो है ये नोटेशन किया जाता है। इसके अलावा कुछ और नंबर के साइंटिफिक नोटेशन हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इनको राइट किया जाता है। तो यहाँ पर एक नंबर है 0.000027, तो ये बहुत ही स्मॉल नंबर है। इसको किस तरह से हम राइट करेंगे, तो यहाँ पर हम जीरो काउंट कर लेते हैं, कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4। इसके बाद जो है ये 4 हो गए हमारे यहाँ पर जीरो। और यहाँ पर जो है इस साइड में हम जा रहे हैं राइट साइड में, तो यहाँ पर जो पावर लगेगी वो माइनस में होगी। और यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर 2 के बाद एक पॉइंट और लगाना है, तो एक पॉइंट हम और लगाए एक नंबर के बाद। तो यहाँ पर 4+1 = 5 हम लिखेंगे। और हम राइट साइड में जा रहे हैं तो 10⁻⁵ यहाँ -5 लिखा जाएगा। वहीं पे अगर हम लेफ्ट साइड में जाते तो ये प्लस में रहता 10⁻⁷। तो जैसा कि अभी हमने पिछले जो है नंबर में देखा कि किस तरह से राइट किया गया, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये नोटेशन होगा। वहीं पर एक और नंबर है 1327000, तो यहाँ पर जीरो कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1.3 लिखना है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर के बाद जो है हम यहाँ पर जो है वो पॉइंट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 3 तो हो जाएंगे ये जीरो, उसके बाद 7 2 3। तो यहाँ पर जो है 3 और हमारे नंबर हम आगे खिसका रहे हैं। तो इस तरह से 10⁻⁶ यहाँ पर +6 यानी कि 6 हो जाएगा, क्योंकि हम ये लेफ्ट साइड की ओर हमने यहाँ पर बढ़े थे। तो इस तरह से जो है नंबर का यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन किस तरह से हम डिसाइड करेंगे। तो इन मल्टीप्लीकेशन अगर हम लिखते हैं 2.7 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाई किया हमने 1.1 × 10⁻⁷। तो यहाँ पर ये किस तरह से होगा, तो 2.7 × 1.1 ये हो जाएगा दोनों के यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद जो है ये पावर वाले क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये इनको हम लिखेंगे, तो ये -5 इधर आ जाएगा और ये 7 के आगे क्या है, ये प्लस है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये प्लस होगा। तो इसको जब हम करेंगे तो -5 + 7 क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा हमारा ये 2। तो इस तरह से ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 2.97 × 10⁻² जो कि 100 होता है। तो मल्टीप्लीकेशन करने पर आंसर आएगा 297। और डिवीजन में क्या होगा, तो 7.2 × 10⁻11 अपॉन 0.3 × 10⁻⁴। तो इसे जो है जब आप जो है इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये जिस तरह से अपोजिट है, तो ये ऊपर की ओर 11 है और नीचे ये 4 है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, तो 11 माइनस और यहाँ पर ये -4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। तो 2.4 × 10⁵ जो है यहाँ पर ये टोटल जो है ये इस तरह से जो है ये मेजरमेंट यहां पर डिवीजन के लिए निकल करके आएगा।
नाउ अनसर्टेनिटी इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगा, तो यहाँ पर एडिशन देख लीजिए तो 13.7 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 22.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो सबसे पहले एडिशन के लिए ये जो दोनों ही पावर है ये क्या होनी चाहिए, ये कॉमन होनी चाहिए। तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर 3 को 10 टू द पावर 5 में, तो इसके लिए 10 टू द पावर 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यानी कि 10 टू द पावर 2 से, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 टू द पावर 5। तो यहाँ पर ये टर्म है 22.5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, तो ये बनकर आएगा 2250 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इस तरह से जो है जब इन दोनों की आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2263.7 इंटू 10 टू द पावर 5। वहीं पर अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये किस तरह से होगा, तो 11.2 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 9.1 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, दोनों टर्म जो है वो सेम है यहाँ पर पावर, तो यहाँ आ जाएगी, और इन दोनों को जब माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पर तो 11.2 माइनस 9.1 तो 2.1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है अनसर्टेनिटी इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पर ये शो किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं किसी भी डिजिट के जिनका कि जिनकी की वैल्यू जो होती है वो किसी भी मेजरमेंट जो कि एक्यूरेसी को डिसाइड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे फिगर्स क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कैसे भी मेजरमेंट हो उनमें अगर जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे तो वो मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम किस तरह से बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो किसी नंबर में क्या है, तो इसके लिए कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं किसी नंबर में वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पर 211.8 दे रखा है, तो यहाँ पर टोटल जो नॉन जीरो जो नंबर है वो कितने डिजिट है, वो है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट रूल इज ऑल जीरोस दैट आर फाउंड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरो जो नंबर्स डिजिट्स होते हैं उनके बीच के अगर जो है इनके बीच में अगर जीरो पाए जा रहे हैं तो वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तो 2 और 7 के बीच में 3 यहाँ पर जो है ये जीरो पाए गए हैं, तो यहाँ पर जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इन तीनों जो है जीरो को मिला के, और ये 2 जो है यहाँ पर ये नॉन जीरो है, तो इनको मिलाकर जब हम ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल करके आएंगे। नेक्स्ट रूल इज लीडिंग जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो दे रखा है 0.0085, तो फर्स्ट यहाँ पर जो है ये नॉन जीरो नंबर है 8, तो इसके पहले का जो ये जीरो है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस तरह यहाँ पर टोटल जो सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पर ये 2 होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 8 के पहले का जीरो जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। तो टोटल जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स है 85, यानी कि 2। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। तो अगर कोई भी जो है नंबर है उसके आगे डेसिमल लगा हुआ है तो उसके राइट साइड के जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 12 पॉइंट इसके बाद जो है राइट साइड में 3 जीरो हैं, तो इन्हें भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल यहाँ पर जो है ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है यहाँ पर किस तरह से पहचाने, उसके लिए यहाँ पर ये जो है कुछ रूल्स दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से स्टडी करें। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, आगे वाली वीडियो में हम जो है इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे और केमिकल जो है किस तरह से जो है फॉर्मूलाज दिए गए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो इस चैप्टर में है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो और जो भी लॉज हैं केमिकल कम्बिनेशन हो गए जिस तरह से, तो उनको भी आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक पढ़ते रहें और जो है अपने फ्रेंड्स में भी जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।